हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ। आज मैं आपके लिए करवा चौथ से संबंधित कुछ जानकारी लेके आई हूँ और मैं इसमें आपको बताऊँगी कि करवा चौथ के दिन हमें सबसे पहले मैं आपको उसका महत्व बताऊँगी, फिर शुभ मुहूर्त बताऊँगी, फिर किस तरह से हमें पूजा करना चाहिए उसका विधि विधान बताऊंगी, और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी मैं बताऊंगी, और लास्ट में कथा भी बताऊंगी करवा महारानी की। तो आइए दोस्तों, फिर हम करवा चौथ के बारे में शुरू करते हैं और आपको कुछ सरल अचूक उपाय भी मैं बताऊंगी। तो करवा चौथ का दिन जो होता है वो हर सुहागिन स्त्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसका इंतज़ार वह बड़ी बेसब्री से करती हैं। परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए तो करवा चौथ के दिन हर सुहागिन स्त्री अपनी सौभाग्य पति के लिए माता करवा से उनके स्वस्थ जीवन के लिए, वह दीर्घायु के लिए और सौभाग्य की कामना करती है, और इसके साथ ही साथ उस दिन वो निर्जला व्रत भी रखती है। पति की दीर्घ आयु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत किया जाता है, और ये करवा चौथ कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी या करवा चौथ के नाम से पुकारा जाता है। इस दिन जो व्रत रखती हैं स्त्रियां, वो सुबह सबसे पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होता है ये व्रत, और रात में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद समापन होता है इसका। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो जो हमारा करवा चौथ है वह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इस साल 24 अक्टूबर 2021 की सुबह 5:43 तक रहेगी। चांद निकलने का समय 4:11 पर है। पूजन के लिए शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर 2021 को शाम 6:55 से लेकर 8:51 तक है। अब दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगी कि करवा चौथ के दिन हमें क्या इसकी पूजा विधि कैसी है और कैसे करें पूजा, और व्रत की विधि क्या है। इस दिन प्रातः स्नान करके सर्गी के रूप में भोजन करें, पानी पिए, और सर्गी के साथ में आप थोड़ी हैवी डाइट लीजिए। इसमें आप दूध ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, जिससे कि आपको सारा दिन भूख नहीं लगेगी और आप जो है वो अच्छे से, पेट आपका खाली नहीं रहेगा और आप अच्छे से ये व्रत को कर पाएंगे, और पूरे दिन निराहार रहना रहता है। इस दिन करवा चौथ के दिन भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी, कार्तिकी जी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। पूजन के लिए रेत अथवा सफ़ेद मिट्टी की वेदी बनाकर सभी देवताओं को स्थापित करें। अगर मूर्ति ना हो तो सुपारी पर नाड़ा बांधकर देवता को की भावना करके स्थापित करें। इसके बाद पूजन करें। पूजा के लिए एक थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर रखें और घी का दीपक जलाएं। पूजा चांद निकलने के 1 घंटे पहले ही शुरू कर दें और इसके बाद चंद्रमा को दर्शन करके व्रत खोलें। दोस्तों, सुबह जब आप उठेंगे तो उस जिस दिन करवा चौथ होता है उसके 1 दिन पहले रात में हल्का भोजन खाएं। ऐसा करने से दूसरे दिन आपको ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी। इन कामों को भूल कर भी ना करें। इस दिन देर तक ना सोएं, सूर्य उदय से पहले ही उठ जाएं, ज़्यादा काम ना करें वरना आपको थकान महसूस होगी। पूजा करते समय काले, भूरे, नीले वस्त्रों का जो है सारा दिन ना पहने, क्योंकि ये शुभ नहीं माने जाते हैं। इस दिन हो सके तो लाल पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि लाल रंग प्यार का प्रतीक माना जाता है। दोपहर को ना सोएं, कैंची, कढ़ाई, बुनाई व चाकू और सुई आदि का, धार वाली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से जो होता है वो अशांति का माहौल हो सकता है। परिवार में बड़े बुजुर्ग जैसे
आपकी माँ है, सास है, ससुर आदि का अपमान न करें, सारा दिन किसी की बुराई न करें, किसी की चुगली न करें, और शाम को पूजा व कथा पढ़ने के बाद किसी को अपशब्द ना बोलें। इस दिन भूल कर भी सुहाग की सामग्री जैसे बिंदी, चूड़ी आदि को डस्टबिन में न फेंकें। अगर चूड़ी पहनते समय खंडित हो जाए या झड़ जाए तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें और अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन क्या करें। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर अपने घर के बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। इस दिन सारा दिन अपनी जो सास होती है वो अपनी बहू को सर्गी देती है और सर्गी में बहू को नए कपड़े, श्रृंगार सामग्री, मिठाई तथा कुछ धनराशि अपने सामर्थ्य के अनुसार दे। बहू सारा जो ये सर्गी सारा दी जाती है, सर्गी दी जाती है, उसकी में जो मिठाई दी जाती है उसे ही खाकर रात में व्रत खोलती है। रात को पूजा करते समय जब चांद को जल चढ़ाएं तब पति की लंबी आयु की कामना करते हुए चांद के आगे घी का दीपक जलाएं। वो अपने पति के हाथों से पानी पिएं और खाना खाते समय पहले कौर पति को खिलाएं और उसके बाद स्वयं ग्रहण करें। अपने श्रृंगार की जो सुहाग सामग्री है आपको मिली है उसे किसी और महिला के साथ ना बांटें और ना ही उनसे लें। इस दिन सतियों की कथा सुने और पढ़ें, पौराणिक कथाएं भी सुने वो पढ़ें और दिन भर भगवान का भजन सुमिरन करें। ऐसा करने से माँ करवे की जो कृपा होती है वो आप पे होगी और पति की दीर्घायु भी बढ़ती है। अब भूल कर भी ना करें ये काम, तो इस दिन मांस, मछली, अंडा आदि तामसिक भोजन का न करें। इस व्रत का पालन पति पत्नी दोनों को ही करना चाहिए और अगर हो सके तो अपने पति की नज़र उतारें। इससे ऐसा करने से जो नेगेटिविटी होती है दोस्तों वो समाप्त हो जाती है। पति से झगड़ा ना करें क्योंकि ऐसा करने से व्रत निष्फल हो जाता है और व्रती जो जिसने व्रत रखा है वो महिला पाप की भागीदार होती है। करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के साथ बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वो पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार की बात है कि उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत नहीं देखी गई और वो दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर जलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सात्विक सतीत्व से उन्हें पूर्ण जीवित दिलाकर रहेगी। वो पूरे एक साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उनकी उन देखभाल करती है, उनके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वो एकत्र करती जाती है। एक साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो
पीयू सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसे सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा है, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना, और जब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसे कह के वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का करने का आग्रह करती है, लेकिन वो टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश श्री गणेश कहता वो उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसे ही सब सुहागनों को मिले। अब दोस्तों मैं आपको करवा चौथ के कुछ सरल और सटीक उपाय बताऊंगी। सबसे पहले ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो भी उपाय करें करवा चौथ के, वो किसी को ना बताएं और किसी के सामने ना करें। तो सबसे पहला उपाय मेरा यह है कि कार्यों में सफलता के लिए आप उस दिन करवा चौथ के दिन हल्दी की 5 गांठ लेकर ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जप जाप करते हुए भगवान गणेश जी को समर्पित करें। दाम्पत्य सुख और धन के आवागमन के लिए करवा चौथ के दिन अगर आपके और पति पत्नी में हमेशा तनाव और झगड़ा रहता है, छोटी छोटी बातों में मन मुटाव रहता है, तो ये उपाय करें। 11 गोमती चक्र घर पर लाएं, उन्हें अच्छे से गंगा जल से साफ करके लाल रंग की डिब्बी में रख कर छिपा दें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपके बीच में तनाव व कलेश दूर हो जाएगा। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी की समस्या हो तो इस दिन गणेश जी को गुड़ घी का भोग लगाएं, ओम गणपति नमः की जाप करें और गणपति जी की कृपा से आपके यहाँ धन का बरसात होगी। करवा चौथ पर आप आपस में प्रेम का भाव हो या पति पत्नी के बीच में प्रेम का अभाव रहता हो तो ये कारगर उपाय जरूर कीजिए कि इस दिन जब आप पूजा के लिए तैयार होएं तो पूरा श्रृंगार सामग्री पहन लें, लास्ट में अपने पति से मांग भरने को कहें। ये उपाय बहुत ही कारगर है। ऐसा करने से आपको आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ने लगेगा। जब पति आपकी मांग व में सिंदूर लगा दे तो आप उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद व प्यार मांगें। ऐसा करने से आप दोनों के बीच में स्नेह फिर से बनने लगेगा। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप ये उपाय करें तो उस वक्त वहाँ कोई ना हो। दोस्तों जब रात को करवा चौथ की पूजा हो जाए, चांद को अर्घ दे दें तो पति के हाथों पहला जल जो है वो पानी जो है वो आप अब ग्रहण कीजिए, और जब खाना खाने बैठे तो पहला निवाला पहले अपने पति को खिलाएं, उसके बाद में फिर आप ग्रहण करें। आप देखिएगा आपके बीच में बहुत सारा प्यार करवा महारानी की तरफ से मिलेगा आपको।